हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड गाइस, आज का व्लॉग काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो रोनिश भाई है, मन भाई है और हमारे सस्पेंड भाई है इधर। एंड काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज क्या मजा आने वाला है ना। ये कुछ बोल नहीं रहे, तेरे को मजा आएगा ना अच्छे लोग में। गाइस, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज का व्लॉग ही ऐसा है। आज नो टॉक चैलेंज है, मतलब ये लोग को या फिर कितने भी चमाट मारू, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे आज। और हमारे कैमरामैन भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि थर्ड पार्टिसिपेंट वही है। तो काफी ज्यादा फन होने वाला है, और इनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है ना, ये कुछ लिख सकते हैं ना, तुम लिख के बोलने वाले हो। और ये लोग क्या खाएंगे वो भी मैं डिसाइड करूंगा। अब तुम बोल के भी मुझे कुछ नहीं बोल सकते। तो गाइस, सब कुछ मेरे हाथ में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, इस वीडियो का लाइक टारगेट कितना रखना है गाइस, 30,000 लाइक्स का टारगेट है, तो लाइक जरूर कर देना। अब चलते गेम नंबर वन की तरफ, जिनमें इनको बहुत ही मैं टॉर्चर करूंगा आज, और तुम्हें भी कैमरामैन, तो काफी मजा आएगा। लेट्स गो, स्टार्टिंग द गेम नंबर वन। इनको एक एक पावर मिलेगी जैसे पिछली बार मिली थी, तो इस बार इनको एक एक नंबर सिलेक्ट करना है, और जो नंबर के आगे जो पावर होगी वो पावर उसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मन भाई को पूछेंगे, मन भाई क्या नंबर लेना चाहोगे भाई? 1, 2, 3 ये क्या 6 क्या बता रहे 3। तो मन ने 3 नंबर लिया। रोनिश गाइस इधर पूरा मुंह पे टेप लगा के बैठे कि आज मैं बोलूंगा ही नहीं। तो रोनिश क्या नंबर लेगा तू? रोनिश ने लिया 2, तेरे को 1 मिला है, तो तेरी पावर होने वाली है, यू कैन टॉक वंस, एक बार तो कभी भी बोल सकता है गेम। रोनिश को मिला है, तू एक बार लिख के बता सकता है कभी भी, रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। और मन को मिला है, तेरे को पावर मिली है, तेरी मर्जी से तू एक बार जब चाहे जो खाना चाहे खा सकता है। तो गाइस, तीनों को एकदम क्रेजी क्रेजी पावर मिल गई है। अब चलेंगे हम गेम नंबर 1 तरफ। तो आर यू गाइस रेडी? बोलो भाई, रेडी हो के नहीं? गाइस आज जोश नहीं दिख रहा इनकी तरफ से, तो लेट्स स्टार्ट द गेम नंबर 1। इधर मैं लेके आया हूँ गेम नंबर 1। आर यू गाइस रेडी? भाई लोग, गेम नंबर 1 होने वाला है वैक्स स्ट्रिप्स। गाइस ये है वैक्स की स्ट्रिप्स, तो अब मैं इनको करने वाला हूँ वैक्स, एंड देखूंगा इनकी चीखे कैसे निकलती है, इनके मुंह से आवाज निकलती है कि नहीं निकलती है। इधर देखो इनकी हालत देखो भाई, क्या हो गया है? नहीं 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 गाइस, इसने तो मुंह ही खोल दिया है। तो अब बिना किसी देरी के एक एक को वैक्स करेंगे, और देखते किसके मुंह से आवाज ही निकलती है। हमारे साथ पहले जो आए हैं नंबर, मन भाई आए। इधर मन भाई, आर यू रेडी? तो गाइस, मन को बहुत डर लगता है ये सब चीजों से, तो लेट्स स्टार्ट। इसे यूज करते हैं मुझे पता नहीं, बट ये दोनों साइड है। चलो इधर गाइस, हमने चिपका दिए, ये पकड़ के रख। चलो देखते हैं अब मन भाई क्या करेंगे। आर यू रेडी? क्या लगता है भाई, इस बार आईपीएल में कौन जीतेगा? भाई मुझे लग रहा है इस बार गुजरात जीत जाएगी, क्योंकि गुजरात इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और तेरे को पता है तू ये सब प्रेडिक्ट करके पैसे भी जीत सकते हैं। कैसे भाई, मुझे ही बता। भाई प्रोवो करके एक ऐप है जिसपे तू अपना ओपिनियन ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट बाय सिलेक्टिंग यस और नो। सही में? और इसमें दूसरी बहुत सारी कैटेगरी भी है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिप्टो, यूट्यूब एंड मेनी मोर। और ये सारे जीते हुए पैसे आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई या फोन पे। तुझे तो आईपीएल में इंटरेस्ट है, हाँ। तो तेरे को थोड़ा आईपीएल की क्वेश्चन बता दो जो कि ऐप पे है। क्या तेरे को लगता है कि गुजरात इस बार का आईपीएल जीतेगा 2022 का? भाई ऐसा लग तो रहा है कि वो जीतेगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है ये टाइम। तो मैं यस कर देता हूँ इसका आंसर। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि मोहम्मद शमी के इस बार गुजरात में हाईएस्ट विकेट हो सकते क्या? कितने रन तक बन सकते, क्या लगता है? और अगर इसमें तू 10 रुपए डालेगा तो तेरे को सीधा 10,000 रुपए मिलेगा। 10 का 10,000 एकदम। अगर तू फर्स्ट भी नहीं आया तो भी तेरे पास चांस है 4,000 तक प्राइज मिलेंगे, कि 4,000 रैंकिंग तक प्राइज मिलने वाला। गाइस इफ यू वांट टू डाउनलोड प्रोवो ऐप, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन। अभी आपको 50 रुपीज बोनस भी मिलेगा। देर आर ऑलरेडी 4 मिलियन यूजर्स ऑन प्रोवो ऐप, जो कि लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो सोच क्या रहे यार, जल्दी से डाउनलोड करो प्रोवो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके डाउनलोड। भाई ये इसका मुंह देखने में मुझे हंसी आ रही है। 3, 2, 1 बोल दिया ये तो बोल दिया, बोलना क्यों ना गाइस, मन भाई ने गेम का रूल तोड़ा है, तो मन भाई को मिलेगी पनिशमेंट।
अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, एक तो तू ऑलरेडी ये चीज खाया है, अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। इसका हाथ देखो गाइस, पूरा ये हो गया है। तो यस गाइस, अब चलेंगे पहले कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ। इसका डेयर हम पेंडिंग रखेंगे। तो मन की तो हालत खराब हो रही है, अभी इसने एक बार बोल दिया तो पहला माफ किया है, और एक डेयर तो इसको करना पड़ेगा उसके बदले। अब हमारी बारी है रोनिश भाई की। वो तो भाई चुपचाप बैठ गया, कुछ बोल नहीं रहा है। आर यू रेडी ब्रो? गाइस इसके मुंह से मेरे को तरस आ रही है। मैं गाइस बहुत मुश्किल से माने इसको, इस बार चिपका ही दिया हमने डायरेक्ट। भाई कैसे टेढ़ा मेढ़ा चिपका ही है। ओके इस बार आए बॉल, इस बार बॉल है। बट भाई ये क्या है, तेरे को कुछ हो नहीं है? गाइस ये तो सेफली खेल गया, इसको इतना कुछ हुआ ही नहीं, एक्टिंग कर गया। अब बारी है सस्पेंड भाई की। दोनों की हालत तो बैड हो चुकी है, ये रोनिस तो फिर भी बच गया, इसको इतना हुआ नहीं। अब बारी है सस्पेंड भाई की। तो अब मजा आएगा, अब देखते गाइस इसकी क्या हालत होती है। ये तो पहले से ही डर रहे गाइस, और ये हमने एकदम बरोबर चिपका दिया है इस बार। आर यू रेडी ब्रो? कुछ बोल नहीं रहा है अभी तक, बंदा कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट अब तो बोलना ही पड़ेगा। भाई बोलना नहीं है, बोल क्यों रहा है तू? अरे भाई इसने भी बोल दिया। मन और सस्पेंड ये दोनों ये गेम में हार चुके हैं। रोनिश बच गया, तो अब इन दोनों की बारी है डेयर करने की। तो चलो चलते हैं डेयर की तरफ। Two hours later. थोड़ी देर का इधर हमने ब्रेक लिया था, इनको रेस्ट दिया था मैंने। अब बारी है तुम्हारे डेयर की। आर यू गाइस रेडी फॉर द डेयर? बोल नहीं रहे लौंडे, अभी पता है कि एक बार बोल दिया है, अब डेयर मिल गया है। तो भाई पहले कौन डेयर करेगा? पावर। तो गाइस सस्पेंड मैंने इनको बता रखा था कि अगर पावर यूज करनी है तो ऐसे करना। तो सस्पेंड अपनी पावर यूज कर रहा है जो कि थी कैन टॉक वंस। तो अब तू डेयर नहीं करना चाहता, तो इसने एक बार बोला गाइस, तो इसने अपनी पावर यूज कर ली। तो अब इसको डेयर नहीं करना है, तो ये बच गया, इसकी पावर यूज हो गई है। बट ये तो चाह के भी अपनी पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पावर थी खाने वाली, तो खाने का लेना देना नहीं है। तो तेरे को तो डेयर करना पड़ेगा। तो गाइस इसका डेयर ये है, जिसकी प्रिपरेशन हमने कर रखी है। आज तुझे भी बताता हूँ डेयर क्या है। तो ये बाल्टी दिख रही है तेरे को, बाल्टी इधर गाइस, इस बाल्टी को अब हम भरने वाले हैं ठंडे ठंडे पानी से, और ये तेरे को तेरे मुंह पे डालेंगे। इसका मुंह देखो भाई, तो ये तो गया पानी, ठीक है भाई, ये तो अपन पानी डालेंगे। और इसके लिए मैंने अलग से बर्फ भी लगा है, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं, जो होने वाला है आइस बकेट चैलेंज। तो भाई इधर बहुत सारा अपने स्नो जमा रखा है, तो पूरा पूरा स्नो डालेंगे इसमें, ताकि बहुत ठंडा हो जाए। ओके, और इधर तो भाई पूरा पैकेट है, वो अंदर जाने वाला है। अब इसको इससे नहाना पड़ेगा ठंडे ठंडे पानी से। तो लेट्स गो गाइस, इसको बाथरूम में ले जाते हैं और इसमें बाल्टी उल्टी करते हैं। इसकी बैठ बजी है, बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, बट डेयर तो करना पड़ेगा। इफ यू टॉक इन माय चैलेंज यू आर गॉन। तो अभी ये इसको आगे से याद रहेगा, कितना भी कुछ भी हो जाए बोलने का नहीं। अब रेडी है मन गाइस? इसके मुंह से आवाज आ रही है बट ये बोल नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत ठंडा है ये। तो भाई खतरनाक, इस बार नहीं बोला, इसको पता चल गया चैलेंज बहुत ही तगड़ा है। डेयर कंप्लीट हो गया, अभी इनको थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर मिलेंगे अपन वापस कुछ चैलेंज के साथ। तो अभी थोड़ा रेस्ट देते बार बार, अभी थोड़ा नींद भी करने देते इनको, और मिलते थोड़ी देर में। टाइम है फूड का, अपन ट्विस्ट रखने वाले। नॉर्मल इधर मैंने वड़ा पाव लाया गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो ये वड़ा पाव में अपन दो वड़ा पाव एकदम सिंपल रखेंगे, बट एक वड़ा पाव जो रहेगा, जो पता नहीं किसको जाएगा, उसमें हम डालने वाले गाइस ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट मिर्ची ऐसे प्लेस करने वाले। आप लोग देखो कितना खतरनाक लगने वाला ये वड़ा पाव, और पता नहीं ये वड़ा पाव किसको जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची है गाइस इधर। तो अपन इसको ऐसे ऐसे फोल्ड वील्ड करके ऐसे सेट करेंगे, और चटनी डाल देंगे ताकि पता ना चले। ये समझ में नहीं आएगा बाहर से कि मिर्ची है अंदर, और बाकी दो को नॉर्मली थोड़ी थोड़ी चटनी डाल कर। तो चलो गाइस इनको खाने के लिए बुलाएंगे। एकदम सिमिलर दिख रहे वड़ा पाव ये, बट ये वाले वड़ा पाव में आप सोच नहीं सकते इतनी सारी मिर्ची है। तो इसको मैं एकदम ऐसे पैक कर लिया है। चलते हैं अंदर, और ये लोग बैठे इधर तीनों के तीनों। भाई भाई रील रील बंद करो, भाई रील बंद करो, रील बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। कैसा जा रहा है दिन?
हाँ तीनों समझदार है, क्या बोलना है? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है भाई ये, बट खाने का टाइम हो गया गाइस। आर यू गाइस रेडी फॉर फूड? भूख लगी है कि नहीं? तो चलो खाना मैंने ला दिया तुम लोग का, टेबल पे बड़ा आ जाओ खाते। तो तुम्हारे लिए क्या लाया है खाने में? एकदम मुंबई का फेमस वड़ा पाव। वड़ा 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 पाव। आर यू गाइस रेडी? किए जा रहे मन, और ये सस्पेंड भाई ने तो ठूसना चालू कर दिया है। मन क्या कर रहा है? चटनी नहीं चाहिए थी क्या तेरे को? कैसे है भाई? भाई क्या खा रहे यार? भाई इतनी बड़ी मिर्च इसके अंदर, ये दोनों देख रहे कि भाई क्या है इसका मुंह देखो भाई, ये बोल रहे मेरे में तो नहीं है गाइस। एक में ही मिर्ची थी और ये तो बंदा बोल दिया भाई ऐसे मत किया करो भाई, ये तो चीटिंग हुई ना। चीटिंग नहीं थी, तीनों रैंडम बड़ा भाव रखे थे, अब कौन सा कौन उठाएगा मुझे पता नहीं था। अब तेरे नसीब खराब थे, कम से कम थोड़ा रहम करते भाई। तो अब तू गेम से बाहर हो चुका है, पानी पी सकता है भाई, तू पानी पी सकता है अब, गेम से बाहर हो गया, तो अब तेरे को जो चाहिए वो कर सकता है। तो ये तो भाग गया, ये दोनों मस्त मजे करो तुम लोग। वड़ा पाव खाने के बाद एकदम से नींद लग गई थी, मैं भी सो गया था और ये दोनों भी इधर सोए। वो कैसे सोए? ये इधर सोया है मन, ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो भाई कैसे ही सोया है गाइस पता नहीं, बट बहुत गलत ही नींद आ गई। इतना मतलब एसी चालू था और एकदम ठंडी थी तो नींद ही आ गई। तो अब इनको उठाते हैं थोड़ी देर में एंड नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट कर। तो मैं उठा रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहे अभी ना, बहुत हो गया। मैं कब से 2-10 मिनट पहले भी इनको एक बार बोल के गया उठ जाओ भाई उठ जाओ, अभी भी नहीं उठे। ये तो भाई पता नहीं कैसे सोया है। इस चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ। बहुत ही मुश्किल से इन दोनों को उठाया है फाइनली क्रिकेट का बोल के। अब थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है, रेडी रहना दोनों। आधा से ज्यादा टाइम इन्होंने सोते सोते निकाल दिया, चैलेंज क्या मिलता है सो जाते हैं निब्बे। तो अब इनके लिए नेक्स्ट राउंड चालू होने वाला है, नेक्स्ट गेम चालू होने वाला है। तो इसके लिए हम जाने वाले किधर खाने के लिए, मैं डिसाइड करूंगा हम किधर खाने वाले और कैसे खाने वाले, वो तुम्हारे लिए गेम होने वाला है। तो रेडी हो? रेडी हो? लेट्स गो गाइस। एकदम मस्त सी कड़वी सी चीज इन्हें खिलाएंगे अभी, तो मजा आएगा अब चैलेंज में। तो चलो चलते हैं। क्या 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 पावर? यही पावर क्या थी? हाँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गाइस मैं ट्राई कर रहा था कि ये बोल दे बट बोला नहीं निब्बा। तो इसकी पावर थी ये चाहे जो खा सकता है, तो तूने पावर यूज कर दी तो ये तो और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। इसको जो खाना है तू उधर लेके चल सकता है, तू हमें ड्राइव करके लेके चल सकता है क्योंकि मेरे को अभी समझेगा नहीं। तो इसको जिधर खाना है खाने चलते हैं और इनका गेम उधर ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते खाने की प्लेस पे, मिलते हैं उधर। मन हमें लेके आया है आइसक्रीम खाने, इसको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। तो अभी तुम्हारा गेम भी इधर ही है, रेडी हो गेम के लिए? तो गेम कुछ ऐसा है, तुम्हें उधर जाके तुम्हें ऑर्डर करना है, मैं जाके ऑर्डर नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। तुम जाओ उधर और तुम जाके ऑर्डर करना है, ठीक है? और तुम बोल नहीं सकते, बोले बिना ऑर्डर करना है। तो एक जगह तू करेगा, एक जगह रोनिश करेगा, एक दूसरी जगह मैं लेके जाऊंगा क्या ऑर्डर करना है, ठीक है? तो अभी इधर जो है रोनिश जाएगा, इधर तू नहीं जा सकता क्योंकि तेरी पावर है। तो इधर रोनिश जाएगा, तेरे को क्या खाना है वो तू रोनिश को अभी एक्सप्लेन कर दे। लेट्स सी गाइस रोनिश कैसे ऑर्डर करेगा। कर ऑर्डर कर रोनिश, बता क्या करना है, क्या पावर लिख के बताना चाहते हैं? हाँ चल पावर। ओ भाई इसने पावर यूज कर ली गाइस, टाइमिंग पे लिख के बताने वाला ये। लेट्स सी। अरे भाई अब तूने पावर यूज कर दिए, तो अब बता। तो गाइस इधर रोनिश ने पावर यूज की बट मतलब नहीं निकला, बट ऑर्डर हो चुका है। तो रोनिश का तो डेयर हो चुका है, अब नेक्स्ट डेयर है मन। मन को मेरे को ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जिधर मेनू कार्ड नहीं है, तो ही मजा आएगा, वरना तो ये निब्बा इजीली कर देगा। तो अब अभी इसका तो हो गया एकदम इजी। भैया और दो दे दो यार, हम भी ऐसे देखेंगे क्या। तो अब इसके बाद चलेंगे मन की जगह पे। मन को हम एक जगह पे लेके आए हैं जो कि है दुर्गा स्नैक्स, उधर उधर उधर। और रोनिश इधर के ना रगड़ा पेटीज बहुत फेमस है, बट इन्होंने अभी अभी चालू की है तो इनके इधर मेनू में नहीं है वो चीज़। तो तेरे को अभी इनको बोलना है कि मुझे रगड़ा पेटीज चाहिए और इधर मेन्यू नहीं है, ठीक है? हाँ इधर बहुत फेमस है गाइस, देखते हैं मेन्यू में नहीं है। रोनिश कैसे समझाएगा, क्या लगता है ये समझा पाएगा? तेरे को एक ट्विस्ट बताओ, इधर रगड़ा पेटीज ही नहीं है, बड़ा हरामी हो बेटा। तो चलो गाइस इधर मन आगे चला गया है, तो मन के साथ जाते हैं और देखते हैं
कैसे मन ऑर्डर करता है क्योंकि इधर रही नहीं वो चीज़। बता बता। नहीं नहीं वो नहीं है, मेनू में नहीं है वो, तेरे को समझाना पड़ेगा। गाइस अंकल को समझ में नहीं आ रहा, अंकल ये बोल नहीं सकता अब इसको। A few moments later. अरे रगड़ा पैटीज। ये बोल दिया अंकल, पूछ रहे थे तो बोल दिया। पर है ही नहीं इधर, यानी चीटिंग है। तो यही तो ट्रिक थी, इधर मिलता ही नहीं है रगड़ा पेटीज। हमने तो तेरे को उल्लू बनाने के लिए बोला था। गाइस ये दोनों बोल दिए इधर, दोनों के दोनों बोल चुके इधर। ये तो बोला ही बोला, उसके पीछे पीछे ये भी बोल दिया। तो यस गाइस इधर ही हम चैलेंज को एंड करेंगे। काफ़ी मस्त ट्विस्ट था और चैलेंज कंप्लीट हो गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब पूरा दिन इतना अच्छे से खेल रहे थे, इतना आगे एंड में हक दिया। इसको तो मैंने बताया भी था चैलेंज में ट्विस्ट, तो भी हक दिया। तो यस गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और फाइनली इनको बोलते हुए सुन लो। नहीं 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 भाई, तो वही ट्विस्ट था कि बोलना नहीं है तुम्हें, तुमने बोल दिया। तो यस गाइस बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट। Oh girl, you fucking fight back.